सहज समाधि भरी। कबीर यह
सहज समाधि भली। गुरु प्रताप जादिन से जागी, गुरु प्रताप जादिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। सहज समाधि भली। Thank you.
सो इश्क मेरे दिल में रहते बहम लैला मजनू एक ही महफिल में रहते अजल से दोनों हो सो इश्क रहता हूँ वो मेरे दिल
बिन देखे
बड़ी बड़ी आंखें हैं। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ए नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। ए नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद अनंगपुर में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद अनंगपुर में मौजूद है। है नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आला, झूम कर कह रही है ये वादे सवा। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आला, झूम कर कह रही है ये वादे सवा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। है नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर अनंगपुर में मौजूद है। ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर अनंगपुर में मौजूद है। है नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जबकि तूफान सफीने से टकरा गया, जबकि तूफान सफीने से टकरा गया, मैंने उससे ये बेसाखता कह दिया। जबकि तूफान सफीने से टकरा गया, मैंने उससे ये बेसाखता कह दिया। क्या बिगाड़ेगा तू कश्तिये दीन का, क्या बिगाड़ेगा तू कश्तिये दीन का, जब खुदा ही सफीने में मौजूद है। क्या बिगाड़ेगा तू कश्ती दीन का।
जब खुदा ही सफीने में मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम अनंगपुर न जाए कहीं। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम अनंगपुर न जाए कहीं। क्योंकि जन्नत मेरे जुआ अनंगपुर नहीं, क्योंकि जन्नत मेरे जुआ अनंगपुर नहीं, और जन्नत अनंगपुर में मौजूद है। क्योंकि जन्नत मेरे जुआ अनंगपुर नहीं, और जन्नत अनंगपुर में मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। बेसहारों को सीने से लिपटा लिया, बेसहारों को सीने से लिपटा लिया, जिसने मांगा जो उसको अता कर दिया। बेसहारों को सीने से लिपटा लिया, जिसने मांगा जो उसको अता कर दिया। उसके दर के सवाली है शाहो गदा, उसके दर के सवाली है शाहो गदा, वो शहनशाहपुर में मौजूद है। उसके दर के सवाली है शाहो गदा, वो शहनशाहपुर में मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने बख्शी है दीदारे सीरत नबी, जिसने बख्शी है दीदारे सीरत नबी, उनके कदमों पे हस्ती फना हो गई। जिसने बख्शी है दीदारे सीरत नबी, उनके कदमों पे हस्ती फना हो गई। उनके महबूब के नूर की रोशनी, उनके महबूब के नूर की रोशनी, मेरे दिल के नगीने में मौजूद है। उनके महबूब के नूर की रोशनी, मेरे दिल के नगीने में मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कला में इलाही दिया, जिसने लाकर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद अनंगपुर में मौजूद है। वो मोहम्मद अनंगपुर में मौजूद है। वो मोहम्मद अनंगपुर में मौजूद है।
स्वयं एक कंबल कमंडल लेकर परमात्मा की प्राप्ति की खोज में निकल पड़ा। जैसे लोगों का विश्वास है कि हिमालय पर्वत पर बड़े बड़े ऊंचे सच महात्मा हुए और रहते हैं, उसी विश्वास के हरिद्वार ऋषिकेश लक्ष्मण झूला और ऊपर पहुंचा और उसे ऐसा सुंदर स्थान मिला जिसके पास थोड़ी दूर पर एक छोटी सी बस्ती थी लोगों की और गंगा का किनारा था, स्थान भी अलग था, जब चाहे गंगा जल ले सके, पास में थोड़े वृक्षों के फल थे ताकि फल भी मिल सके और दूध वगैरह भी उपलब्ध हो सके पास के गांव से। ऐसे स्थान पर उसने अपनी कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर अभ्यास में लग गया। स्वाध्याय अभ्यास इसके जीवन का अंग था। सुबह से शाम तक अभ्यास स्वाध्याय में लगा रहा। धीरे धीरे जब वर्ष बीते लगे तो उसकी ख्याति हो गई कि भैया एक बड़ा महात्मा है, सिवा परमात्मा के नाम के और कोई उसके पास दूसरा काम नहीं है, अपने में मस्त रहता है, ईश्वर की याद में लगा रहता है, अभ्यास और प्रभु चर्चा में ही उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे उसकी ख्याति इतनी हो गई, परमात्मा ने सोचा, भगवान ने सोचा कि साधक को और कुछ आगे बढ़ाया जाए, तभी तरक्की होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि हिमालय प्रदेश का राजे को रात को स्वप्न हुआ, स्वप्न में देवी के दर्शन हुए, राजा की देवी इष्ट थी। देवी ने दर्शन करके कहा कि महाराज कि तेरे राज में एक बड़ा ऊंचा महात्मा साधना में लगा हुआ है और तैने आज तक उसकी कोई चिंता नहीं की, उसका हाल चाल मालूम नहीं किया, मेरी आज्ञा है तू जा और उस महात्मा का हाल चाल ले, 9 तोड़े 9-9 लाख के 9 तोड़े उसको भेंट में दे। राजा ने स्वप्न में पूछा कि देवी माँ ऐसे कैसे पहचानूंगा कि वही महात्मा है। देवी बोली देख, उसके बाद स्वप्न बदला, उस महात्मा के दर्शन हुए, उसकी झोपड़ी के दर्शन हुए, उस स्थान के दर्शन हुए, सारा रास्ता दिखाया। अब बोली ये देख महात्मा है। उसके बाद राजा की आंख खुल गई, बड़ा अचंभा हुआ कि बड़ा अजीब स्वप्न मैंने देखा, लेकिन माँ ने स्वप्न में कहा इसको पूरा करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने दरबारियों को दरबार के मंत्रियों को बुलाया, सलाह मशवरा किया कि ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है यहां, ऐसा महात्मा कोई हमारे राज में जिसकी ऐसी ऊंची साधना हो, अच्छा हो, मालूम करना चाहिए। खुफिया द्वारा पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि यहाँ ऐसा महात्मा आया है और गंगा के किनारे उसका स्थान है, वे बड़े अच्छे हैं, आप भी उनके दर्शन कर लें, शायद वही हो। राजा अपने मंत्रियों को लेकर 9-9 लाख के 9 तोड़े वहां गया। वहां जाकर देखा तो क्या देखता है, ये वही महात्मा है जिन्हें स्वप्न में देखा था। बड़ी प्रसन्नता हुई, देवी की बात सत्य हुई। उन्होंने जाकर महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद 9 तोड़े 9-9 लाख के थाल में लगाकर उठाकर उनके सामने रख दिए। महात्मा ने जब देखा तो बोले भाई ऐसा है कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, मैं तो राजा था और मैंने ऐसे बहुत से तोड़े देखे हैं और ये तो सब छोड़कर मैं आया हूं, मैंने अपने लड़के को राजा का सिंहासन देकर छोड़कर चलाया, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, आप इन्हें यहां से ले जाइए, मैं नहीं लूंगा।
राजा बड़ी परेशानी में पड़ गया कि माता का हुक्म था, आज्ञा थी, ये तो महात्मा लेता ही नहीं है, क्या करें। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की। मंत्री ने कहा कि महाराज जिद ना करिए, इनकी कुटिया के दरवाजे पे छोड़ जाइए, ले तो ले ना, ले तो ना, आप इनके दरवाजे पर छोड़ के चले जाइए। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा ये जो सड़क है सरकारी है, जमीन भी आपकी है, आप तो राजा हैं, आप इनके दरवाजे पर रख कर चले जाए। 9-9 लाख के 9 तोड़े दरवाजे पर रखे। राजा मंत्री सब चले गए। अब जब भी ये महात्मा बाहर निकलते, चमकते तोड़ों पर निगाह पड़ती, टॉर्च के लिए निकले निगाह पड़ी, फल इकट्ठा करने निकले तो निगाह पड़ी, किसी भी कारण बाहर निकलते तो उन पर निगाह पड़ती। धीरे धीरे ये ख्याल पैदा होता कि भाई ये तो माया है, माया का बड़ा निराधार हो रहा है, इतनी दौलत और यह ऐसे ही पड़ी हुई है, अगर गलत आदमियों के हाथ पर लग गई तो इसकी बड़ा दुरुपयोग होगा, इसका सदुपयोग होना चाहिए। बार बार ये मन में ख्याल आता कि क्यों ना इसे रख लिया जाए और मौका लगे तो इसका सदुपयोग किया जाए। आत्मा कहती कि तुम सब छोड़ के आए हो, तुम्हें क्या मतलब, आप अपनी साधना में लगो, इस चक्कर में क्यों पड़ते हो। फिर दोबारा आत्मा कहती, धीरे धीरे 15-20 रोज हो गए, अब मन और आत्मा की लड़ाई होती रही, और 15-20 रोज के बाद मन की जीत हुई। और मन ने कहा कि सब तो नहीं, एक निकाल के रख लो, महात्मा संत और कोई आए उसकी सेवा में काम आएगा। एक उन्होंने उठाया, रख के कहा, अपना आसन हटाया, रेत हटाई और उस रेत में दबा लिया, ऊपर से आसन फिर बिछा लिया। उसके बाद फिर राजा को फिर देवी ने दर्शन दिए और दर्शन में कहा कि देखो राजन, तेरी माया का बड़ा अपमान हो रहा है, वह साधु है, लेता तो है नहीं, अगर किसी गलत आदमी के हाथ में लग गई तो उसका बड़ा दुरुपयोग होगा, इसलिए अब जाइए। और एक एक करके अपने 9 तोड़े वापस ले आइए, एक अशर्फ भी छूटे नहीं, गिन कर ले आओ। राजा की आंख खुल गई, राजा उठा, बड़ा दुखी हुआ कि ऐसे जंगल में अशर्फियों का कहां पता चलेगा, 15-20 दिन हो गए, किसने छोड़ा होगा। हिम्मत की, मंत्रियों को बुलाया, सलाह ली। उसने कहा इसमें तो खुफिया पुलिस की बड़ी जरूरत पड़ेगी, और खुफिया पुलिस के बड़े अफसर को साथ दिया और उस स्थान तक पहुंचे, वहां देखेंगे, वहीं पता चलेगा क्या हो सकता है। वहां देखे तो देखा कि अशर्फियां वहीं पड़ी हैं, चमक रही हैं, कहा कि काम बन गया। लेकिन जब गिना तो एक अशर्फी कम पाया, कहा कि देवी ने कहा था कि एक एक गिन कर लाना, देखते हैं सब यही हैं, उसका पता चल जाएगा, अगर एक भी नहीं मिलती तो मुश्किल काम था, एक का पता लगाना बहुत आसान काम है। उन्होंने जो उनके साथी पुलिस कर्मी थे उनसे कहा कि भाई जंगल में देखो, झाड़ी में देखो, झाड़ी पीट डालो, सब देखो। खोज शुरू हुई लेकिन तोड़े का कहीं नहीं मिला, कहां जा सकता है। यही सोच रहे थे कि किसी जानवर के पैर में लगकर चला गया होगा, कहीं झाड़ी वाड़ी में पड़ा होगा। फिर देखो, फिर उन्होंने महात्मा जी की कुटिया का छप्पर देखा, यहां किसी जानवर ने डाल दिया होगा, मगर पता नहीं चला। अब थक गए सारे के सारे,
जब पहली बार लोग गए थे तो राजन ने बड़ा लंबा चौड़ा दंडवत प्रणाम किया था। अब की बार गए तो तोड़ा गिनने में लग गए, महात्मा जी को इग्नोर कर दिया। तोड़े गिनने लगे कि तोड़े हैं या नहीं, जब तोड़ा नहीं मिला निराश हो गए, महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से कहा कि महाराज यहां 9 तोड़े थे, 8 रह गए, 1 कहां चला गया। और महाराज ने पहली बार कहा था कि हमें तो क्या लेना, हम तो ऐसे हजारों तोड़े छोड़कर आए हैं, अभी कैसे कहे कि हमने एक रख लिया, ये तो बड़ी मान की बड़ा हानि हो जाएगी। मान का कंसिडरेशन उनके हृदय में ऐसा आया कि खट से कह बैठे कि हमारे तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब, हम तो ऐसे तोड़े छोड़कर आए हैं, देख लो जहां तुमने डाला है वहां से ही ढूंढो, हमारे तोड़ों से तुम्हें क्या मतलब। सब हट गए, फिर देखना शुरू किया। जो बड़ा पुलिस का अफसर था बड़े गौर से वाच करता रहा, देखता रहा, सोचा सुबह से शाम इतनी देर हो गई, इन महात्मा जी ने अपना आसन नहीं छोड़ा, आसन पर तो इतना बैठना होता नहीं, सुबह से शाम तक इसने आसन नहीं छोड़ा, छोड़ा ही नहीं। उसने हिम्मत की और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी खड़े हो जाओ। आसन हटाया, उंगलियों के निशान थे, वहां देखा तो तोड़ा मिल गया। अब जब तोड़ा मिल गया तो पुलिस के अफसर ने कहा, महात्मा जी को टेढ़ी निगाह से देखा और बोला, बड़े महात्मा बने हैं, कहते कि हम तो ऐसे तोड़े छोड़ कर आए हैं, चोरी और झूठ दो गुना काम तो जेल का किया है। काम तो जेल का किया है पर छोड़ ही देते हैं। अब इनको बड़ी गिलानी हुई और इन्होंने सोचा कि जहां चलो ऐसी जगह जहां पर इंसान नजर ही ना आए, ऐसी जगह पहुंच जाओ। यह सोचकर और ऊपर यमुनोत्री गंगोत्री और पहाड़ पर चले गए। अब तो रास्ते बहुत आसान हैं, पहले जमाने में बड़ा मुश्किल था। पहुंचते पहुंचते एक स्थान मिला, ऐसी सुंदर गुफा मिली, अगर उस गुफा में बैठा जाए और ऊपर से उसकी चट्टान ढक ली जाए तो स्वप्न में भी किसी को पता ना चलेगा कि इसके अंदर कोई आदमी बैठा है, छिपा है, कोई बैठा है। ऐसी गुफा एकांत में थी कि आदमी पहुंच ही ना सके, ऐसी जगह उन्होंने स्थान बनाया रहने का, उस गुफा में रहने का। और सिर्फ एक बार उस गुफा से निकलते, एक बार ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4 बजे एक बार निकलते गुफा से, गंगा जल के किनारे जल चाहिए इसलिए तो गंगा के किनारे बनाया था, गंगा में स्नान करते। ऐसी जगह थी जहां थोड़े बहुत फल मिल जाते, फल इकट्ठा करते, जल लेकर अपनी गुफा में दाखिल हो जाते, फिर दिन में अपनी गुफा से ना निकलते, एक बार निकलते। बड़ी कठोर तपस्या उन्होंने प्रारंभ की, बड़ी जबरदस्त लगातार निरंतर तपस्या करते रहे। कई वर्ष हो गए तपस्या करते करते, कभी कोई पहाड़ी उधर से निकल गया, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उसने देखा कि अरे यहां तो एक महात्मा है, गुफा में रहता है, ये तो जल लेके जा रहा है। बड़े गौर से देखा कि अरे इस गुफा में रहते हैं, जब नीचे गया तो उसने और लोगों को बताया कि ऊपर जो गुफा है उसमें महात्मा जी रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं, गंगा स्नान करते हैं, फल लेते हैं और उसके बाद बाकी पत्थर ढक लेते हैं और कोई देखने आया, हाँ हाँ महात्मा जी हैं गुफा में। परमात्मा ने कहा कि अब साधक ने अच्छी तपस्या कर ली, बहुत समय तपस्या करते हो गए, अब जरा एक टेस्ट और लिया जाए।
ताकि साधक आगे बढ़े। ईश्वर ने चाहा कि और तरक्की मिले। ऐसे धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। गांव के आसपास के सारे लोग उनके दर्शनार्थ आने लगे, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, और उस समय दर्शन के लिए पहुंचते किसी की हिम्मत न पड़ती कि अंदर जाएं, उनसे बात करें। जब वे गुफा में रहते पत्थर ढक लेते, इसका मतलब किसी से बात करना नहीं चाहते थे, इसलिए कौन उनका श्राप ले, कोई नहीं जाता था। दूर से देखते, दूर से दर्शन करते। जब ख्याति काफी हो गई, जब 8-10-15 व्यक्ति आने शुरू हो गए, रोज निकलने लगे, समय का इंतजार करते, दूर से देखते, दूर से देखो वे महात्मा जी निकले, गंगा स्नान कर रहे हैं, फल बटोर रहे हैं, फिर गुफा में घुस गए। बड़े गौर से देखते, एक बार क्या हुआ, परमात्मा प्रभु की फिर विशेष कृपा हुई उनके ऊपर। हिमाचल प्रदेश में का जो उस जगह का राजा था, जहां ये थे पहले छोटे छोटे राजा थे, वह शिकार खेलने निकला अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपनी रानी के साथ, और खेलते खेलते एक दूसरे से बिछड़ गए। राजा का रानी का पता नहीं और रानी का राजा का पता नहीं, और बिछड़कर रानी गंगा के किनारे पर आ गई और वो एक पत्थर पर जाके बैठ गई और रोने लगी। ये ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए, स्नान करने गए थे कि इसकी निगाह देवी पर पड़ी। उन्होंने कहा कि यहां कहां ऐसे वियावान जंगल में, और देवी कहां से आ गई और रो क्यों रही है, क्या कष्ट है। मन ने कहा कि इससे पूछो कि इसे क्या तकलीफ है, क्या इसकी तकलीफ दूर की जा सकती है। आत्मा ने फिर चिताया, कहा कि एक बार झंझट में पड़े थे, बड़ी मुसीबत उठाई, अब झंझट में ना पड़ो, अपना सीधा साधा काम करते रहो, ईश्वर को याद करो। फिर मन और आत्मा में झगड़ा होने लगा। मन ऊपर उठ गया कि नहीं, उसकी तकलीफ है, उसकी तकलीफ दूर करने का फर्ज है हमारा, तकलीफ दूर करना है। ये उन देवी के पास गए, रानी थी, बड़ी सुंदर थी। उसने प्रार्थना की कि देवी तुम्हें क्या कष्ट है। उसने कहा कि गंगा के पार जो दूसरा देश है, मैं उसकी रानी हूं, हम एक रास्ते से यहां आ गए, घोड़ा कूदा, लेकिन अब मैं जा नहीं सकती क्योंकि हमें रास्ता मालूम नहीं, और यह गंगा का पार बहुत चौड़ा है, मुझे तैरना आता नहीं। हमारे राज का एक ऐसा नियम है, अगर रानी देश से बाहर रहे अकेली और एक रात बाहर काटे तो वह रानी नहीं रहती, पदच्युत कर दी जाती है। अगर रात तब मैं पार कर जाती हूं तब रानी रहूंगी, अगर दिन निकल जाएगा तब मैं रानी नहीं रहूंगी। तो मुझे गंगा के पार बहुत जरूरी जाना है, आवश्यक है, तैरना मुझे आता नहीं, कोई हमें पार करा दे। महात्मा जी ने कहा कि क्या बात है, तैरना मुझे आता है, मैं तुझे अभी पार करा देता हूं। ठीक है, यही तो चाहिए, गंगा में घुसे। जब धार आई, उसने कहा मैं तो गई। महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं, उस महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया कि मैं तो भाई नहीं, हाथ पकड़कर आगे बढ़े। जब पानी और गहरा आया तो बोली मैं तो डूबी। अब क्या हुआ, इसका मन में विकार पैदा हुआ। मन के विकार पैदा होते ही वह तो सच्चा साधक था, उसने अपनी मन की दशा का पता चल गया। अरे राम, इतनी तपस्या करने के बाद भी मन की यही दशा है, हे राम
उसने अपने पर बड़ी गिलानी आई, रोना शुरू कर दिया और जैसे तैसे उस देवी को लाया, पार उतारा। उधर क्या हुआ, जो लोग उसे देखने आए थे, बहुत दिनों से आते थे, दूर से देख रहे थे, उन्होंने देखा और कहा कि आज तो महात्मा जी किसी स्त्री को अपने साथ बैठा कर ला रहे हैं और गंगा का पार करा रहे हैं। सब किनारे पर आए और खूब ताली पीटी, नमक छिड़ दिया। एक तो वैसे ही दुखी था और दुनिया वालों ने नमक छिड़क दिया, रो पड़ा, बिखल बिखल पड़ा, खूब रोया। तो उस देवी को दया आ गई, उसने कहा हे राजन, तू मुझे मामूली स्त्री समझता है, मैं मामूली स्त्री नहीं हूं, मैं तो माया हूं, तेरा इम्तिहान लेने आई थी और तुम जैसे साधुओं को मैं गधा बनाती हूं, जैसे अब बनाया गधा बनाकर सवारी लेती हूं, जैसे अब बनाया। बेचारा बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि हे देवी, कोई ऐसा भी है जो तेरे पार गया हो? उसने कहा कि हाँ ऐसा भी है जो मुझे गधी बनाता है, मैं मेरे काबू नहीं आता। अच्छा ऐसे भी हैं तो एक दा नाम बताओ ताकि दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊं, जीवन कृतार्थ हो हमारा। देवी ने कहा कि चलो चले जाओ, बनारस में कबीर साहब हैं, वे ऐसे हैं कि मेरी गति बनाते हैं और मेरे काबू में नहीं आते, उसके दर्शन करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब उल्टी यात्रा प्रारंभ हुई, 4-6 महीने उतर कर बनारस पहुंचे तो मालूम करना शुरू किया कि भैया कोई कबीर साहब हैं, कोई बताए नहीं। कबीर साहब को हम जानते नहीं, जिससे पूछे वही कहे कि भाई हम कबीर साहब को नहीं जानते कि कोई कबीर साहब है। सोचा देवी ने कहा है तो कबीर साहब जरूर होंगे, बहुत घूमे। फिर किसी ने कहा कि भाई कबीर साहब को तो नहीं जानते, एक कबीर जुलाहा है, अगर कबीरा जुलाहा को देखना है तो बरगद के पेड़ के नीचे ताना बाना बनाए हुए सूत बुन रहा है, उसके पास चले जाओ, उसे तो हम जानते हैं कि कबीर जुलाहा है, लेकिन कबीर साहब को तो कोई नहीं जानता। उसने सोचा वहां जाकर शायद असली कबीर साहब का पता लगे, कबीर जुलाहे कोई देख ले। कबीर साहब की तरफ बढ़ा राजा, कबीर साहब ने दूर से ही उसको देख लिया कि आज एक सच्चा जिज्ञासु चला आ रहा है, एक ऐसा व्यक्ति चला आ रहा है जिसके हृदय में सच्ची तड़प है परमात्मा के पाने की, अध्यात्म के पाने की सच्ची जिज्ञासु। और दूर से देखकर उसने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि ये देवी चिराग ले आओ। पतिव्रत देवी थी, गई और चिराग जला के ले आई। जब तक ये गया वह चिराग भी पहुंच गया और कबीर साहब ने चिराग लेकर ढूंढना शुरू किया, कभी ताने में कभी बाने में, पसीने पसीने हो रहे हैं ढूंढ रहे हैं। अभी साधक जो राजा था वहां पहुंच गया और बैठ के तमाशा देखने लगा कि ये चिराग से क्या कर रहे हैं। उसने ख्याल किया कि इनका कुछ खो गया है, कोई वस्तु खो गई है, ढूंढ रहे हैं चिराग से, इनसे नहीं रहा गया। बहुत इंटेलिजेंट था राजा, बहुत देर तक देखा और बोला कि क्या खो गया, क्या खो गया जो आप इतनी देर से परेशान हैं, खो क्या गया, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? बोले मेरा इतना बड़ा हत्था खो गया, उसे ढूंढ रहा हूं। इसने आके लकड़ी का हत्था, और दिन के 12 बजे सूरज चमक रहा है, तेज रोशनी है, वह भी सूरज की रोशनी में नहीं मिलेगा, चिराग की रोशनी में मिलेगा, बहुत अच्छा। बोला अजीब आदमी है, इतना बड़ा सूरज निकल रहा है ऐसी रोशनी में, ऐसी रोशनी चमक रही है और आप चिराग लेके ढूंढ रहे हैं। कभी
कबीर साहब रो पड़े, रो के कहने लगे कि हाँ यही तो मुसीबत है। परमपिता परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में सूरज की तरह विद्यमान है, लेकिन हाँ उस प्रभु को ढूंढते हैं कंदराओं में, पहाड़ों में, चोटियों में, गुफाओं में, जंगलों में। वह तो हमारे हृदय में अनेक सूर्यों की तरह प्रकाशित है, और ढूंढते हैं कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, मंदिरों में, और साथ साथ इसके साथ साथ शक्तिपात आत्मिक पावर के साथ साथ हुई, उसका हृदय आनंद और प्रभु प्रेम से भर गया। जिस चीज की आवश्यकता थी उसे मिल गई, उसका रोम रोम आनंद में हो गया, ऑटोमेटिक उसका ध्यान बनने लगा, परमात्मा की जब स्वतः आने लगी, अपने आप परमात्मा की याद में गहरा डूब गया, आनंद विभोर होकर बैठ गया प्रभु की याद में। वह और उसकी धर्मपत्नी अपना काम फिर करने लगे, सूत बुनने लगे। थोड़ी देर में एक गधी घूमती हुई आई, चढ़ती हुई उधर से निकल गई, और उस गधी ने कबीर साहब का जो ताना बाना था एक कोने में जाकर लात मारी, उनके ताने बाने को तोड़ दिया। जब तार टूट गए, कबीर साहब थोड़े दौड़े दौड़े गए, चक चक करके गधी को अलग किया, एक एक तागा बांधा, और बांधने के बाद फिर बिनने लगे। थोड़ी देर बाद वो गधी दूसरी जगह गई, और वहां उसे लत्ती झाड़ दी, सारे तार तोड़ दिए। कबीर साहब भागे भागे गए, चक चक करके उसे हटाया, एक एक करके धागा बांधा, फिर बिनने लगे। पांच छह बार में गधी आई, तागे तोड़े, चक चक करके उसे अलग कर दिया, फिर बुनने लगे। ये महात्मा अनंत विभोर परमात्मा की गहरी याद में कबीर साहब की कृपा से उसे ऐसी चीज मिली जिसके लिए इतनी तपस्या की गई थी। आनंद विभोर अपनी आत्मा के आनंद को चूस रहा था, ले रहा था। कभी कभी आंख खोल कर देख लेता, कहता कि ये देखो ये गधी है, ऐसे ऊंचे महात्मा को परेशान कर रही है। कभी कभी मन में विचार पैदा होता, और एक बार क्या हुआ, ये जो महात्मा जब बैठे ध्यान अवस्थित थे, अपने आत्मा के आनंद को ले रहे थे, उसी तरफ गधी आई, और जैसे ही मारने को थी अड़ंगी, इन्होंने अपना डंडा लिया और दिया एक डंडा कि नहीं मानेगी, तंग किए जा रही है महात्मा को। महात्मा ने एक डंडा लगाया, वह माया में बदल गई, उस देवी की शक्ल में बदल गई जिसके दर्शन उनको गंगोत्री जन्मोत्री में हुए थे, कि देखो परमात्मा के आनंद विभोर में बैठा था, आत्मा के रस को चूस रहा था, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, धागे में उसके तोड़ रही थी, लठ तैने मेरे मार दिया, और ये मेरे काबू में नहीं आया, जरा सा भी गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, इसके धागे टूट रहे थे, आता है चप चप करके हटा देता है, क्रोध रत्ती पर नहीं, तो ये है जब ये गधी बनाए हुए है, मेरे काबू में नहीं आता। ऐसा संत महात्मा, ऐसा ऊंचा संत जिसका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहता है, जब प्रभु की तीसरी विशेष कृपा होती है तो ऐसे संत के दर्शन होते हैं, ऐसे संत से परमात्मा नाता जोड़ देता है, और ऐसे संत से संबंध हो जाने पर प्रभु का प्रेम, प्रभु की मस्ती अपने आप हृदय में पैदा हो जाती है, उसके पास बैठने से आनंद आता है, उसके पास बैठने से ध्यान बनता है, अपने आप प्रभु की याद आती है। जब ईश्वर की तीसरी कृपा होती है तब ऐसा होता है, और इसे हम गुरु कृपा कह सकते हैं। गुरु से ये वस्तु मिली, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, चित्त की एकाग्रता गुरु से मिलती है। हम बीज मंत्र कहते हैं, और यही असली मंत्र है, ये है शक्ति। ऐसी शक्ति जब चाहे परमात्मा की याद करते रहें, चलते फिरते, बस में बैठे,
गाड़ी में बैठे परमात्मा की याद कर सकते हैं। पावर ऑफ कंसंट्रेशन सदगुरु से प्राप्त होती है। जब ये परमात्मा की तीसरी कृपा होती है तब ऐसा होता है। और उसके बाद ये तो परमात्मा की कृपा हुई, उसके बाद अब क्या हुआ, अब निज कृपा की आवश्यकता है। परमात्मा ने अपना काम पूरा कर दिया, अब निज कृपा चाहिए। निज कृपा क्या चाहिए, अब आपके पास ऐसी चीज मिल गई, चलते फिरते आपका ध्यान बन सकता है। जहां अपने अंदर ख्याल किया, ध्यान बना, विचार करने वाली बात है, चलते हुए बनता है, गाड़ी में बैठे हुए बनता है, ऑटोमेटिक बिना प्रयास के। अब क्या रह जाता है, निज कृपा। जब खाली समय हो आपके पास, परमात्मा की याद करें, काम के वक्त काम करें, एक मिनट बर्बाद ना करें। जब खाली परमात्मा की याद, फौरन ईश्वर की याद, जीभ को, जीभ की नोक को तालुए से लगाइए और ईश्वर की याद में डूब जाइए। जब वो खाली समय परमात्मा को दे, धीरे धीरे एक समय आता है, समय परमात्मा की याद में बढ़ता चला जाता है, ध्यान की अवस्था और प्रगाढ़ होती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। रामकृष्ण देव परमहंस ने एक बड़ी ऊंची बात कही, कहा करते थे कि समुद्र में, समुद्र की सतह पर एक प्रकार की सीपी होती है जो तैरती रहती है, मुंह खोले तैरती रहती है। अब स्वाति नक्षत्र की बूंद उस सीपी में पड़ जाती है, तब वह मुंह बंद करके समुद्र की तल में चली जाती है। और जब तक मुंह नहीं खोलती, जब तक वह मोती ना बन जाए, यही सच्चा साधक है। जब चित्त की एकाग्रता हासिल हो जाए, प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से, खाली समय तब परमात्मा को दे। जब ही काम ना हो तब ईश्वर की याद करें, ध्यान करें, और तब तक मुंह ना खोलें जब तक सच्चा ज्ञान आपको हासिल ना हो जाए। जब तक 24 घंटे का ध्यान ना बनने लगे, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, जब तक ध्यान ना बने, तब तक बीज मंत्र, जब तक बीज मंत्र कीलक मंत्र ना हो जाए, कीलक मंत्र शक्ति मंत्र ना हो जाए, बदल जाए। ये बीज मंत्र मिला गुरु से, ऐसी शक्ति मिली, आप खाली समय परमात्मा को देते हैं, उसकी याद करते हैं, धीरे धीरे याददाश्त बढ़ती चली जाती है। इसकी मेमोरी याद करने की हमारे मस्तिष्क पर इम्प्रिंट होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। उसकी मेमोरी के छेद हमारे दिमाग को बढ़ता चला जाता है। हमारा मस्तिष्क एक स्पंज की तरह है, सैकड़ों छोटी छोटी नसों से बना हुआ है, करोड़ों नसें हैं, उसमें छेद हैं, जिसका गहरा असर पड़ता है। उसकी मेमोरी हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। बचपन की सारी बातें हमें याद नहीं, लेकिन कोई कोई बात हमें याद है, क्योंकि उस इवेंट का हमारे हृदय पर बड़ा गहरा असर पड़ा, इसलिए हमें याद है। अब हम परमात्मा की याद करते हैं, हृदय से, दिल से याद करते हैं, बड़े प्यार से याद करते हैं, हृदय से याद करते हैं, हृदय से याद करते हैं। उसके बाद अमृत तत्व की वर्षा होती है। कबीर साहब ने इसका बड़ा सुंदर दिग्दर्शन किया है, वह बड़े पढ़े लिखे थे, लोग थे, इस अनुभव को बड़े सुंदर शब्दों में दर्शाया है, बड़ी सुंदर भाषा में कहा है कि चुअत अमीरस भरत ताल जहां शब्द उठा तस्मानी हो। चुअत अमीरस
जा भरत ताल जा शब उठत आसमानी हो, सूरत समानी सिंध में नहीं कुछ जात बकानी हो, अमृत रस की वर्षा होती है। कैसे होती है? इक्वल इंटरवल पर एक मिनट के बाद एक बूंद गिरी तो दूसरे मिनट के बाद दूसरी, तीसरी के बाद तीसरी, कमर के हिस्से में बताते हैं आके गिरती है। और जब वह बूंदे गिरती है इसका आनंद उसमें जो आता है कि शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है, शरीर प्रकाश रोशनी से भर जाता है, इतना आनंद आता है। दुनिया के किसी विषय में वह आनंद नहीं है, उसका अंश मात्र भी नहीं है जितना आनंद आता है। इसे हम भोग जनित आनंद कह सकते हैं। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि अमृत रस की वर्षा होती है, अग्नि प्रकट होती है। लोग हंसते हैं कि अमृत बरसे और अग्नि पैदा हो, ये प्रकाश रोशनी पैदा होती है, सारा शरीर भर जाता है रोशनी से। चुवत अमीरस भरत ताल, ताल के साथ इक्वल इंटरवल, एक बूंद गिरी एक मिनट बाद तो दूसरी, दूसरे मिनट बाद तीसरी, तीसरे मिनट के बाद। चुवत अमीरस भरत ताल जा शब्द उठा तस्मानी हो, निरंतर शब्द प्रभु की गहरी याद, ऐसी गहरी याद होती है कि मन एक समुद्र की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ऐसा मालूम होता है अगाध समुद्र है, समुद्री समुद्र है जिसमें लहर नहीं शांत है, एक शांत समुद्र की अवस्था में चला जाता है, डूब जाता है। ऐसी प्रभु की गहरी याद होती है। जबरदस्ती बुलाए दूसरा विचार नहीं आता। चुवत अमीरस भरत ताल जा शब्द उठा तस्मानी हो, सूरत समानी सिंध में नहीं कुछ जात बकानी हो। ये जो आनंद है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बयान के बाहर है। कबीर साहब शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि अमृत रस की वर्षा होती है, अग्नि प्रकट होती है। एक मुसलमान संत सूफी सेंट ने, उनका भी वही अनुभव रहा, उन्होंने कहा कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। वही चीज है, मन सो गया, आत्मा सो गई, आत्मा लय हो गई, मैं भी अकेला होता हूं और परमात्मा हमारे सामने होता है। दूसरा विचार तक नहीं आता, ख्याल तक नहीं आता। कल साहिल वालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफा को, मैं मौज ही साहिल होती है। वही भाव है, हमारे बुजुर्गों ने कहा, उन्होंने बताया, जिसे अनुभव हो गया उसे संत मत में दाखिला मिल गया, अब ये मेमोरी परमानेंट इम्प्रिंट हो गई माइंड के अंदर, अब जा नहीं सकती। 24 घंटे का ध्यान पक्का हो गया, पुख्ता हो गया, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते, परमात्मा की निरंतर याद बनी रहती है, ये उसकी दशा हो गई। अब उसकी एक टांग यहां और एक टांग वहां। हमारे सदगुरु ने कहा है दिस इज ए गेट ऑफ सेंट, संतों का दरवाजा है। अभी तो दरवाजे में हम दाखिल हुए, पहुंच तो बहुत दूर है। वह कहते हैं कि भाई ये योग जनित आनंद है तुमको जो आ रहा है। सच्चा भक्त आनंद नहीं चाहता, सच्चे भक्त को आनंद से कोई मतलब नहीं। सच्चा भक्त जो है वह परमात्मा के चरण को चाहता है, उसकी एक ही इच्छा रहती है, एक ही ख्वाहिश रहती है कि ये प्रभु तेरे चरणों में ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। न दीन चाहता है, न दुनिया मोक्ष का चाहता है, न नर्क चाहता है, न स्वर्ग की आशा रहती है कि ये प्रभु तेरे चरणों में ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं। मेरी अर्जे तमन्ना भी अजब अर्जे तमन्ना है, मेरी अर्जे तमन्ना भी अजब अर्जे तमन्ना।
मन्ना है मांगता हूं मैं और तुझी को मांगता हूं मैं, मेरी अर्जे तमन्ना भी अजब अर्जे तमन्ना है, तुझी से मांगता हूं मैं तुझी को मांगता हूं। नो डिजायर। जो सच्चा भक्त है सिवा परमात्मा के चरणों के दूसरा कुछ नहीं चाहता। इसलिए जो सच्चा भक्त है सिवा परमात्मा के चरण के और कुछ नहीं चाहता, तो वार्निंग देता है वह कि इसमें मत लग जाओ, इस आनंद की इच्छा भी छोड़ दो। आनंद की इच्छा छोड़ के परमात्मा के चरणों को कस के पकड़ो, उसके ध्यान में मस्त हो जाओ। सच्चा भक्त है ना दुख में दुखी होता है ना आनंद से सुखी मानता है, वह तो अपने प्रभु के चरणों में निरंतर लगा रहता है। फिर साधक और आगे बढ़ता है, इसको ही भूल जाता है। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक। कसके प्रभु के चरणों को पकड़ता है और गहरा, और डूबता चला जाता है धीरे धीरे। उसके जो चक्र हैं हमारे शरीर में एक्टिवेट होने के साथ साथ शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, उसमें शक्ति आने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि सारे चक्र शुद्ध होकर प्रभु की शक्ति बढ़ जाती है। अब ये बीज मंत्र कीलक मंत्र में बदल जाता है। कीलक मंत्र कहते हैं कील गया, आर पार छेद हो गया। उसके बाद शक्ति मंत्र, निरंतर अभ्यास के बाद ऐसी योग्यता इस पुष्टि में आ जाती है, इसके चारों तरफ एक औरा बन जाता है। और उसके आगे कोई भी आता है तो खाली नहीं जाता। ऐसे पुरुष से सच्ची सेवा बनती है, जो अपना कल्याण करता है, उसके बाद जो संपर्क में आता है उसका भी कल्याण करता है। अध्यात्म का जो रास्ता है वो यही है, एक लैंप से दूसरा लैंप जलता है। ये प्रवचन का रास्ता नहीं है, इससे तो प्रेरणा मिलती है परमात्मा की तरफ बढ़ने की। सच्चा अध्यात्म आता है संपर्क से, साधना से, साध से। एक लाइटेड लैंप से दूसरा लैंप जलता है, ये रास्ता अध्यात्म का, जिसमें पहले निज कृपा की आवश्यकता है। ईश्वरी कृपा जो मुख है, बिना उसकी कृपा के पत्ता नहीं हिलता। जब उसकी कृपा हो जाए फिर गुरु कृपा, जब पात्र तैयार हो जाए तब पावर ऑफ कंसंट्रेशन। गुरु कृपा से काम नहीं चलता। ये चीज आपकी जब तक नहीं बनेगी, जब तक आप बैठ के ध्यान नहीं करेंगे, परमात्मा को याद नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, आपकी बनी नहीं सकती है। आप यहां आए हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, यहां से गर्मी लेके जाएंगे और जैसे ही पंडाल के बाहर गए ठंडक शुरू, सब ठंडा, फिर वैसे के वैसे ही। तो जब तक पूरा अनुसरण हर चीज का नहीं होगा, जब तक साधनी अच्छी नहीं होगी, जब तक पंडाल से निकलकर भोजन पंडाल तक ठीक तरह नहीं पहुंचेंगे, कब असर होगा? जब बराबर सत्संग में जाएंगे और जानेंगे कि हमें करना क्या है। जब तक इसे अपना अभ्यास नहीं बनाएंगे, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपका अपना बनता चला जाएगा, आपके सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, उनमें शक्ति पैदा हो जाएगी, ये सारी बातें पैदा होंगी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण।
अदा करा गुरु जी। ऐ मनुख जून देन दा शुकराना जिन्हों देवता भी तरसते ने, इस दिल दियां धड़कना दा इना शाहां दा शुकराना, अपनी संगत बनाउन दा शुकराना, सत्संग च बिठाउन दा शुकराना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन दा ते सदा एहसास दुआन दा शुकराना, इस जिंदगी विच सिर उठा के जी पान दा शुकराना गुरु जी। साढ़े जन्मां जन्मां दे पैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुकराना, सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउन दा शुकराना गुरु जी, ते सब तों वड्डा शुकराना उन्हां परेशानियां दा गुरु जी जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया। क्योंकि जे इस जिंदगी विच वह दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असीं शायद तुहानू लभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो। सत्संग, सेवा, सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां पर कदे भी मेरे विच मैं ना आवे। मैनू ये सुझी दिओ कि कुछ भी थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुल्लां कि तुहाडी मर्जी दे बगैर कदे कुछ नहीं होंदा। मैं ये याद रखां कि मेरी अगली सांह दा भी भरोसा नहीं है, ना मैं अपनी मर्जी ते आया और ना ही मैं कदे अपनी मर्जी नाल जा सकदा। मैं छोटी बड़ी होनियां च तुहाडी रहमतां नूं देखां, हर जीव विच तुहानू देखां गुरु जी। तुसीं मैनू जिथे भी रखो, जिस हाल विच भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्लां गुरु जी। जे तुहाडियां रहमतां पाके भी मैं नीमा नहीं रहना, ते मैनू अपनी रहमतां ना बख्शो जी। मैं कदे ना भुल्लां कि जो सब कुछ दे सकता है वह सब कुछ कदे भी लै सकता है। मैनू कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी, सिर्फ वह चाहिदा है जो तुहानू मंजूर है। मैनू कदे भी वह ना मिले जो मैनू तुहाड़े तों दूर करे। मेरे गुनाहों नू बख्श देना गुरु जी, असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी किते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। बस यही ओ अरदास है तुहाड़े तों गुरु जी। ओम जय सतगुरुदेव, जय पतशरणम। मूल वचन अखिल परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें।
सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।